हेलो एवरीवन वेलकम टू ईसी गेट टू मैं हूं सुमित अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन की हुई है आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन राउथ हरविच क्राइटेरियन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको राउथ हरबीज क्राइटेरियन के लिए थ्योरी पार्ट बताया हुआ था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उसे आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखें इसके साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है एस टू दी पावर ऑफ फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस फाइव एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ पे हमें राउट हर्विज क्राइटेरिया से बताना है कि वेदर द सिस्टम इस स्टेबल अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल तो हम क्या करेंगे राउट टेबल बनाएंगे जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था तो जब इस इक्वेशन के लिए हम राउट टेबल बनाएंगे तो हमें फर्स्ट रो में एलिमेंट मिलेंगे वन फाइव एंड थ्री एंड सेकेंड रो में हमें एलिमेंट मिलेंगे फोर सेवन एंड ज़ीरो इसके बाद जब हम थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम इस एलिमेंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स फोर का मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव से एंड सेवन का मल्टीप्लाई करेंगे हम वन से तो हमें थर्ड रो का एलिमेंट मिलेगा फोर इंटू फाइव दैट इज़ ट्वेंटी माइनस सेवन डिवाइड बाई फोर इसी तरह से जब हम सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे थर्ड रो का तो हमें मिलेगा फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस ऑफ वन मल्टीप्लाईड बाई जीरो डिवाइड बाई फोर दैट इज़ ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर विच इज इक्वल टू थ्री एंड इसके बाद का एलिमेंट हमें मिलेगा जीरो इसके बाद जब हम नेक्स्ट रो के लिए एलिमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा फोर्टी थ्री डिवाइड बाई थर्टीन एंड नेक्स्ट टू एलिमेंट होंगे हमारे पास जीरो एंड जीरो और फिफ्थ रो का एलिमेंट मिलेगा हमें थ्री तो यहाँ पे आप देखें ये जो हमारे पास राउथ अरे है दैट इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स यहाँ पे कोई भी साइन चेंजेस हमें नहीं मिल रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस अरे हैव पॉजिटिव साइन दैट मीन

इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो में हमें एलिमेंट मिलेगा टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइड बाई टू दैट इज़ माइनस थर्टीन डिवाइड बाई टू एंड नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमें वन एंड जीरो इसके बाद फोर्थ रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें सिक्सटी नाइन डिवाइड बाई थर्टीन जीरो एंड जीरो इसके बाद फिफ्थ रो का एलिमेंट मिलेगा हमें वन तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे एक साइन चेंज हो रहा है हमें मिल रहा है माइनस साइन और इससे पहले के जो एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप देखें तो अब यहाँ पर टू साइन चेंजेस हो रहे हैं फर्स्ट साइन चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव एंड सेकेंड साइन चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव सो देर इज टू साइन चेंज सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल हैव टू रूट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द एस प्लेन एंड टू रूट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है फोर्थ ऑर्डर की तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें फोर रूट्स मिलेंगे टू रूट्स लाई कर रहे हैं राइट right साइड में सो द रिमेनिंग टू रूट्स विल बी लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन एंड सिस्टम विल बी अनस्टेबल सिस्टम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एस टू दावर ऑफ फाइव प्लस एस टू दावर ऑफ फोर प्लस टू एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव इक्वल टू जीरो स्पेशल केस है स्पेशल केस में क्या होता है मैं इसे आगे राउट टेबल में बताता हूँ आपको जब हम इसे राउट टेबल में रखेंगे तो हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे वन टू एंड थ्री एंड सेकेंड रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें वन टू एंड फाइव जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो का हमें एलिमेंट मिल रहा है जीरो माइनस टू एंड जीरो तो जब भी राउथ में हमें कोई एलिमेंट जीरो मिले तो ये एक स्पेशल केस होता है इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इस जीरो को रिप्लेस करते हैं एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है अल्फा तो यहाँ पे हम इसे अल्फा से रिप्लेस कर रहे हैं इसके बाद हम क्या करते हैं जो इसके आगे की प्रोसेस है वो सेम वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक हम कर रहे थे तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो हमें मिलेगा टू अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज़ टू अल्फ़ा प्लस टू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा और नेक्स्ट एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा फाइव अल्फ़ा माइनस ऑफ जीरो डिवाइड बाई अल्फ़ा एंड नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमें जीरो इसी के साथ जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एलिमेंट मिलेगा माइनस ऑफ फाइव अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फोर डिवाइड बाई टू अल्फा प्लस टू एंड नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमें जीरो और फिफ्थ रो का एलिमेंट मिलेगा हमें फ़ाइव तो यहाँ पे हम साइन कैसे चेक करते हैं अभी ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसे हम रखेंगे जीरो आगे यहाँ पे आप देखें कि अल्फा का कोई कॉफिशेंट है हमारे पास तो हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे जीरो अगर अल्फा का को कोई कॉफिशेंट नहीं है हमारे पास तो हम उसे अल्फा ही रहने देंगे और साइन चेक करेंगे जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है टू अल्फ़ा प्लस टू डिवाइड बाई अल्फ़ा तो यहाँ पे आप देखें अल्फा का कॉफिसेंट है तो इसे हम रखेंगे जीरो यहाँ पे अल्फ़ा का कोई काफी नहीं है तो इसे हम अल्फा ही रहने देंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया हमारे पास जीरो तो हमें मिल रहा है टू अपॉन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा है हमारे पास स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी तो यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पर कोई साइन चेंजेस नहीं मिल रहा है हमें नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमें मिल रहा है माइनस ऑफ फाइव अल्फ़ा स्क्वायर प्लस फोर अल्फ़ा प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा प्लस टू तो यहाँ पे आप देखें जो अल्फ़ा के कॉफिसेंट है यहाँ पे इसे हम जीरो पुट करेंगे एंड यहाँ पे भी हम अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे आप देखें अल्फ़ा का कॉफी है हमारे पास फाइव तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को पुट करेंगे जीरो एंड यहाँ पे भी हम अल्फा को पुट करेंगे जीरो यहाँ पे भी हम अल्फा की वैल्यू लेंगे जीरो तो यहाँ पे हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस फोर डिवाइड बाई टू दैट इज़ माइनस टू तो यहाँ पे हमें साइन चेंज मिल रहा है और इसके आगे हमारे पास है फाइव तो यहाँ पे हम राउट टेबल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास टू साइन चेंजेस मिल रहे हैं सो so, सो so इस इक्वेशन के लिए दो रूट्स ऐसे होंगे हमारे पास जो राइट right साइड में लाई करेंगे एस प्लेन के एंड द रिमेनिंग थ्री रूट्स विल बी लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन एंड द सिस्टम इज़ अनस्टेबल सिस्टम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एस फोर प्लस टू एस क्यू प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस एट इक्वल टू जीरो यहाँ पे हम राउट टेबल में जब इसे रखेंगे तो हमें मिलेगा वन सिक्स एट एंड टू एट जीरो इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टू एट एंड जीरो एंड इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे जीरो जीरो एंड जीरो तो यहाँ पे आप देखें हमें एक पूरी रो मिल रही है जिसकी वैल्यू है जीरो तो जब भी इस तरह का केस हमारे सामने आएगा तो ये एक स्पेशल केस होगा राउथ हर्विच क्राइटेरियन के लिए इस केस में हम क्या करते हैं इस केस में हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जहाँ पर भी हमें ये रो जीरो मिल रही है उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालेंगे और इसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यहाँ पे आप देखें एस स्क्वायर है हमारे पास कॉफिशेंट टू का तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगी टू एस स्क्वायर प्लस एट ये होगी हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन अब जब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस तो हमें वैल्यू मिलेगी फोर एस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस का कॉफिशेंट हमें मिल रहा है फोर तो यहाँ पे हमारी जो रो थी वो रिप्लेस हो जाएगी फोर जीरो एंड जीरो से और इसके बाद हम इसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास कोई साइन चेंजेस मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं अगर हमें साइन चेंजेस मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है और साइन चेंजेस नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी हुई है दैट ऑग्जिलरी प्लस एट डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसे एस से तो हमें मिला फोर एस रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे वैल्यू फोर से और इसे आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी साइन चेंजेस नहीं है लेकिन इस तरह के सिस्टम के लिए जब भी हमारे पास कोई रो कंप्लीट जीरो मिलती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो रूट्स ऐसे होंगे जो इमेजनरी एक्सिस में लाई करेंगे दैट मीनस सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल एंड द रिमेनिंग रूट विल बी लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन सो ऑफ़ सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम आइदर विल बी मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल इट कैन नॉट बी स्टेबल सिस्टम यहां पे हमारे पास एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास जो ऑक्जिलरी इक्वेशन निकल के आ रही थी दैट इज़ टू एस स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम एस की वैल्यू निकालेंगे जब एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस जे टू तो यहाँ पर हमें जो जे का कॉफिशेंट मिल रहा है इसे ही हम बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी मिलेगी टू यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे आप इस सिस्टम को देखें तो हमारे पास कोई साइन चेंजेस नहीं मिल रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो होगा वो होगा मार्जिनली स्टेबल एंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम आइदर विल बी मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल इट कैन नॉट बी स्टेबल सिस्टम तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू